अक्षर विशिष्ट आकृति टू डायमेंशनल शेप्स चिन्हिबारे हेउथिबा सामान्य भूल। हेलो पिला माने, गत वीडियो रे आमी माने दुई अक्षर विशिष्ट आकृति टू डायमेंशनल शेप्स को चिन्हिबार उदाहरण देखिले। एही वीडियो रे आमी माने दुई अक्षर विशिष्ट आकृति टू डायमेंशनल शेप्स चिन्हिबारे हेउथिबा सामान्य भूल विषय रे जानिबा जहा करिबा अनुचित। आजे छोटू और नेहा सांग होई एक खेल खेलुछंती। ए खेल रे सेमानंग पाखरे किछ स्ट्रॉ अछि। ए स्ट्रॉ गुडी को जोड़ी सेमाने विभिन्न आकृति तैयारी करिवे। नेहा तू कोन तैयारी करूछु? छोटू मु तीनोटी स्ट्रॉ को जोड़ी गुटिया आकृति तैयारी करिछि। मु तैयारी करथिबा आकृति को तू चिन्हि पारिबो कि? पिला माने कण तुमे कहि पारिबो कि नेहा केउ आकृति तैयारी करिछि? आसे देखिबा। नेहा एही आकृति तीनोटी स्ट्रॉ रे तैयारी हेछि। एहार अर्थ एहा त्रिभुज ठीक ना? हां छोटू तू ठीक कहिछु। नेहा एबे मु एको आकृति तैयारी करूछि एवं तू कहिबु एहार नाम कोन? ठीक अछि छोटू। मु एही आकृति को चारोटी स्ट्रॉ रे तैयारी करिछि। ताहले कह एहा केउ आकृति? एहा चारोटी स्ट्रॉ रे तैयारी। एहार अर्थ एहा एको आयत। हां नेहा तू ठीक कहिछु। एबे मु भी एको आयत क्षेत्र तैयारी करूछि। नेहा आयत क्षेत्र तैयारी करबा पई चारोटी समान लंब विशिष्ट स्ट्रॉ रा व्यवहार करिछि। पिला माने कोन तम मानकर मने अछि कि आमे ए आकृति को कोन कहिथाउ? आसे देखिबा। नेहा एही आकृति को आमे वर्ग कहिथाउ। छोटू एही आकृति भी तो चारोटी स्ट्रॉ रे तैयारी होई छी। ताले इपरी कोन पई? हां नेहा एही आकृति भी चारोटी स्ट्रॉ रे तैयारी होई छी। हेले जेउ आकृति रो चारोटी जाक रेखा समान लंब विशिष्ट ताहा को आमे वर्ग कहिताउ। ठीक अछि छोटू मु बुझी गली। एहार अर्थ एही आकृति एक वर्ग कारण एहा चारोटी समान लंब विशिष्ट स्ट्रॉ रे तैयारी। पिला माने ताहले तमे माने भी वर्ग आउ आयत मध्येरे फरक जानि पारिबो त? आयत एवं वर्ग दुईटी जाक चारोटी रेखा रे तयारी होई थाए। हेले जेउ आकृति रो चारोटी रेखा समान लंब विशिष्ट होई थाए ताहा को आमे वर्ग कहि थाउ। आउ एहा हेला आयत। ताहले पिला माने आजि पई एति कि एही वीडियो रे आमे माने दुई अक्षर विशिष्ट आकृति टू डायमेंशनल शेप्स चिन्हि बारे हेउथिबा सामान्य भूल विषय रे जानिले जहा करिबा अनुचित। मु आशा करूछि तमे माने एही विषय भलो भाबे बुझि जाइथिबा। बाय पिला माने।